चलिए, इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा को नेशनल हाउसिंग अवार्ड, इंदिरा गांधी नगर के लिए हाउसिंग बोर्ड आयुक्त को सम्मान। दोनों ही अधिकारियों ने इस अवार्ड को रिसीव किया और अपनी प्रसन्नता जाहिर करी। और अगले विजेता जो है हमारे बीच वो परिचय के मोहताज नहीं, और आज पूरा देश उनके कार्य को सराह रहा है और जान रहा है। राजस्थान में एक ऐतिहासिक सफलता हाउसिंग के सेक्टर में उन्होंने दिलाई है। हम मंच पे बुलाना चाहेंगे श्री पवन अरोड़ा, कमिश्नर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सीनियर आईएएस ऑफ द स्टेट। पवन अरोड़ा जी, आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई राष्ट्रीय हाउसिंग अवार्ड प्राप्त करने के लिए। आप म्यूट पे हैं शायद। थैंक यू वेरी मच, बधाई हो पवन जी। और आपके थैंक यू रवि जी, थैंक यू। आपको अपने कार्य के बारे में बताएं कि इस कोविड सिचुएशन में भी काफी एक्टिविटीज आपके डिपार्टमेंट में हो रही है और उसके बारे में बहुत सारे चर्चे हो रहे थे, एक बार हमारे जो ऑडियंस इसको बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईलेट्स को और कार्तिक जी और रवि गुप्ता और आपके बोर्ड पे जितने भी लोग हैं अभी, सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक राजस्थान सरकार का उपक्रम है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1970 एंड वी आर रनिंग इन अवर गोल्डन जुबली ईयर। सो इस गोल्डन जुबली ईयर में खास तौर पे हमने ये सोचा कि जो हमारा एक स्टेटमेंट है या ध्येय वाक्य है, हमारा प्रयास सबको आवास, उसको तो सार्थक करें ही करें, साथ ही इसको थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल बनाएं। केवल लोगों को घर मुहैया नहीं कराएं, बल्कि उनको एक जीवन स्तर या एक लाइफस्टाइल मुहैया कराएं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने काम शुरू किया। और मैं इस फोरम पे भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो, जैसे ही राज्य में नई सरकार का गठन हुआ, तो जो हमारे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खास तौर से इसको एक विषय बनाया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जो कि काफी सुस्त अवस्था में था, आप कह सकते हैं पिछले 5 साल में उसमें कोई खास गतिविधियां नहीं थी, और एक बार चर्चा ये भी चल गई थी कि हाउसिंग बोर्ड को बंद किया जा सकता है, तो उस पूरी दशा और दिशा को बदलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं शांति धारीवाल, उन्होंने एक संकल्प लिया कि इसको हमको रिवाइव करना, और हमें इस तरह का कम्युनिकेशन हुआ और एक जिम्मेदारी दी गई कि इसको रिवाइव करने के हिसाब से काम करिए। तो मुझे आपको ये कहते हुए खुशी है कि आज पूरे स्टेट में हाउसिंग बोर्ड एक बार फिर अपनी जो इसका गौरवशाली अतीत था उसको रेस्टोर कर चुका है। लोगों का फेथ और ट्रस्ट हाउसिंग बोर्ड में वापस आ गया है। जब हमने करीब साल भर पहले काम शुरू किया था, तब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लगभग 20,000 मकान बिना बिके हुए यहाँ मौजूद थे। तो उन 20,000 बिना बिके हुए मकानों को बेचने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मुझे खुशी आपको बताते हुए कि कोरोना टाइम चलने के बावजूद पिछले 9 महीने में हमने लगभग 6,000 मकान डिस्पोज ऑफ कर दिए, और उस 6,000 मकान को बेच करके करीब 800 से 900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमने ले लिया है। इसके अलावा, जैसा मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हम एक लाइफस्टाइल लोगों को देना चाहते थे, सिर्फ मकान ही नहीं देना चाहते, तो कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रवासी मजदूर सड़कों पे जिस ढंग से पूरे देश में आते जाते दिखाई पड़े। तो हमारी एक सोच आई कि अगर इन मजदूरों के पास में अपने खुद के घर होते तो शायद इस सड़कों पे इस तरह से हमें जाते आते हुए नहीं दिखते, और वो भी अपने घर में सुरक्षित रह पाते। इस सोच को देखते हुए हमने लोगों के लिए ये मकान उपलब्ध कराने के काम को और सरल और सुलभ बनाने के लिए एक नई योजना लेकर के आए। उस योजना का हमने टैगलाइन दी, 10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए, अर्थात पूरी मकान की कीमत का 10% आप अभी दीजिए और बाकी 90% को हम 13 साल की आसान किश्तों में, आसान मासिक किश्तों में आपसे वसूली करेंगे। तो ये बहुत ही हिट हो गई योजना, और ये इस योजना के तहत हमने ये भी देखा कि पहले हम क्लोज बिड सबमिशन हमारे ऑफिसेज में लेते थे इन मकानों को बेचने के लिए, लेकिन कोरोना में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई आइसोलेशन में है, कोई क्वारंटाइन में है, कोई दूसरे शहर में आ नहीं सकता है, तो उसको देखते हुए हमने एक नया प्रयोग किया, हमने ई बिड सबमिशन शुरू किया। पर ई बिड सबमिशन में हम हर सोमवार से बिडिंग शुरू करते हैं, बिड लेना शुरू करते हैं, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, वो अपना बिड सबमिट कर सकता है, और हर वेडनेसडे को शाम को 4:30 बजे हम वो बिड ओपन करते हैं। आज भी बुधवार है और आज भी मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 100 से अधिक मकान हमने भेजा, अभी
हमारा कंपाइलेशन चल रहा है, लेकिन 4:30 बजे जो खुले हैं, तो मैं अभी अपने मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, आज भी हमने करीब करीब 125 मकान विक्रय किए। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने 380 मकान भी एक ही बुधवार को विक्रय किए, और उससे पहले हमने एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो चलिए छोड़